हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले तीन साल्ट पढ़े हम लोग, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका फॉर्मूला Na2CO3×10H2O है, 10H2O, ठीक है। इसको हम लोग जो है वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो धोबिया सोडा भी कह सकते हैं, यानी कि कपड़ा धोने वाला सोडा, ठीक है। तो ये जो है लैब में कैसे बनेगा, तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि वाशिंग सोडा। तो ये लैब में कैसे बनेगा, इन लेबोरेटोरी प्रोसेस, ठीक है। तो कहता है कि जब, क्या कहा कि जब अमोनिया गैस को, जब अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्या बोला कि जब अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। तो फिर सेकंड स्टेप में क्या करता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो है आपको सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। कहा गया कि आपको अमोनिया गैस है, NH3 अमोनिया गैस हुआ, और उसके बाद कहा कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया, इसका जलीय विलयन मतलब कि जल मिलेगा, यानी कि H2O मिलेगा, इसमें जो है CO2 गैस प्रवाहित किया गया। क्या कहा गया कि जब अमोनिया गैस में, जब अमोनिया गैस में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्या कहा कि जब अमोनिया गैस के जलीय, जब अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। ये पहला स्टेप हुआ, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में हम लोग देखते हैं कि ये जो अमोनियम क्लोराइड, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये तो आपका वेस्टेस हो गया, और सेकंड स्टेप में कहा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते हैं, ये हीट का सिंबल हुआ, हीट कर देते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्या कहा कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्राप्ति होती है। तो ये जो हम लोग देख रहे थे, ये तो बैलेंस्ड रिएक्शन था, लेकिन नीचे वाले में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में सोडियम एक है, इसमें रिएक्टेंट में सोडियम दो है, तो दो है तो अगर हम यहाँ पर टू कर देते हैं तो सोडियम दो, कार्बन दो, कार्बन एक और एक दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर, 3×6 हो गया, ये 3 है, तो 3×2=6 हो गया, तो ऑक्सीजन 6 है, तो 3×5=6। इस ढंग से जो है आपको सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो गई, सोडियम
कार्बोनेट की प्रॉपर्टी। ये कंपाउंड का नाम अमोनियम क्लोराइड है, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये समझ में आ गया। अब इसका कहता है कि गुण, गुण दो तरह का होता है यानी कि प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज जो होता है वो फिजिकल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि ये जो है इसका जो घोल होता है वो आपको एक्वस सॉल्यूशन में जो है, ये जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन में ये बेस होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा होगा। अब हम लोग जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या हो गया, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। तो पहला जो रिएक्शन है, जैसे मान लिया गया कि सोडियम कार्बोनेट को कहा कि किसी एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करेगा, यानी कि कोई बेस जो है एसिड से रिएक्शन करेगा। हम लोग पढ़े न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है कि सोडियम कार्बोनेट CnA2CO3, और इसको कहा गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एक एसिड से इसको रिएक्शन कराया गया। तो ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस जब आपस में मिलता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो साल्ट में क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर, और जो है फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। क्या कहा कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सोडियम दो है, यहाँ पर सोडियम एक है, तो यहाँ पर दो लगा देंगे तो सोडियम दो हो गया, क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया, दो हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन एक है तो यहाँ पर दो लगा देंगे तो क्लोरीन दो हो गया, तो हाइड्रोजन भी दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया तो इधर हाइड्रोजन दो हो गया, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, तीन हो गया, ऑक्सीजन दो और एक तीन हो गया, ये आपका जो है रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो है कहता है कि इस रिएक्शन को जो है अगर हम डायरेक्ट गर्म कर देते हैं, जैसे मान लिया कि नंबर दो है सोडियम वाशिंग सोडा है, तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इसको डायरेक्ट अगर हीट कर देते हैं तो यानी कि इसको हाइड्रेटेड कर देते हैं, जलयोजित कर देते हैं, तो ये आपको Na2CO3 + H2O है ना, +10H2O की प्राप्ति होती है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। इस ढंग से जो है हम लोग देखे कि सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधि देखे, है ना, दो स्टेप में ये बना था, फिर प्रॉपर्टीज़ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो रिएक्शन पढ़े, है ना, एक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो डायरेक्ट गर्म मतलब कि रिएक्ट कर जाता है, दूसरे में क्या होता है कि वाशिंग सोडा को जो है हम लोग डायरेक्ट हीट करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, कहता है कि इसका जो यूजेज है, यूजेज सबसे पहला यूजेज जो है कपड़ा आदि को धोने में इसका उपयोग होता है, कपड़ा आदि को धोने में इसका उपयोग होता है, ये लेबोरेटरीज़ में जो है री एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कहता है कि ये कांच, साबुन, पेपर यानी कि कागज़ आदि के प्रोडक्शन में भी इसका उपयोग होता है। और दूसरा बात बोला, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोला कि वाटर का जो हार्डनेस होता है, कठोरता होता है, उसको भी दूर करने में ये इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खारा जल में जो सोडियम कार्बोनेट को मिला देने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो आयन उसमें होता है जिसकी वजह से वह हार्ड हो जाता है, उसको वो दूर कर देता है, यानी कि मतलब कि पानी के खारापन को जो दूर किया जाता है, इसी से दूर किया जाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट अगर मिला देते हैं
तो पानी जो हार्डनेस हो जाता है जिसके कारण, जैसे मान ली कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, और दोनों पॉजिटिव आया नहीं, यानी कि Ma+2 Mg+2 हो जाएगा, तो ये आयन के वजह से जो है पानी में हार्डनेस होता है और ये हार्डनेस समाप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के डालने से। तो अभी हम लोग जो है इस कंपाउंड के बारे में पढ़े, अब हम लोग जो है नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो दूसरा कंपाउंड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, पांचवा नंबर हो जाएगा, BLEACH, ब्लीचिंग PWDER, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। इसको और तोड़ के अगर लिखेंगे तो Ca ब्रैकेट में OCl, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर Cl लिख देंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है ये दो तरह से लिखा गया, CaOCl2 या Ca ब्रैकेट के अंदर में OCl Cl, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसके बनाने की विधि, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CaOCl2, यानी के ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि, कहाँ बनाएंगे तो लैब में बनाएंगे, इन लेबोरेटोरी मेथड या प्रोसेस, ठीक है। तो लैब में ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, कहता है कि लैब में जो है ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है, कहता है कि क्विक लाइम जो होता है, क्विक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है। क्या कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, गर्म करने के पश्चात जो है उसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। क्या कहा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है और गर्म करने के पश्चात जो है उसमें क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 गैस प्रवाहित किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है। क्या कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया गया और 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया गया। तो इसके जो प्रोसेस से बताया गया कि पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्विक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना को लेते हैं, उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर भी निकलेगा इससे, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया CaOCl Cl+H2O, यही आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर हुआ जो कि लेबोरेटरी में तैयार हुआ, ठीक है। अब जो है इसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि ये जो चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है और इसमें जो है क्लोरीन जैसी गंध निकलती है, कहीं क्लोरीन मिला हुआ है तो क्लोरीन जैसी इसमें गंध निकलती है, और ये एक बेस है और इसका pH वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा होगा। अब हम लोग जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में जो है सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। तो जब गर्म करते हैं तो व्हेन ब्लीचिंग पाउडर
इज रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। तो इसी बात को जो हम लोग रिएक्शन में लिख देंगे कि ये हो गया आपको ब्लीचिंग पाउडर, और इसमें जो प्रोडक्ट मतलब कि रिएक्टेंट के रूप में जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में क्लोरीन गैस को ये मुक्त करेगा। क्या कहा कि जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो है दूसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि ये पहला रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन जो होगा ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो किसी एसिड से मान लीजिए HCl से करा देंगे। तो कहता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 की प्राप्ति होती है। फिर समझिए कि जब ब्लीचिंग पाउडर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। इसी बात को हम लोग रिएक्शन में लिखेंगे, CaOCl प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए और इससे प्रोडक्ट क्या क्या बना, बोला कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वाटर मिल गया और प्लस फिर क्या हो गया, क्लोरीन गैस निकला, क्लोरीन गैस भी इससे निकला। क्या क्या बोला कि जब ब्लीचिंग पाउडर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड नहीं है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या जो है आपको एक है, यहाँ पर दो है, तो दो है तो हाइड्रोजन को यहाँ पर दो कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोरीन भी दो हो गया, इधर दो हो गया, तो दो और दो चार हो गया, एक एक दो और दो दो चार हो गया, क्लोरीन चार हो गया। प्रोडक्ट में देखिए क्लोरीन यहाँ दो और यहाँ दो, तो क्लोरीन चार हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, कैल्शियम यहाँ पर एक है, कैल्शियम यहाँ पर एक है। इस ढंग से जो है ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, यूजेज। तो सबसे पहला जो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ होता है वो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में होता है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा को मारने में होता है। जैसे अभी बरसात का सीज़न है तो पानी जहाँ तहाँ लग जाता है और लग जाने के बाद वो महकने भी लगता है, तो वहाँ पर जो है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, खासकर अभी जो दौड़ चल रहा है साफ़ सफाई रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है अभी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग जो है इंसेक्टिसाइड्स के रूप में होता है। दूसरा कहा गया कि कपड़ा कागज़ ये सब को जो है ब्लीच करने में होता है, जैसे बरसात के सीज़न में अगर कपड़े में मतलब कॉटन कपड़ा है अगर उसमें साबुन नहीं लगाया गया तो वो धीरे धीरे क्या होता है उसमें वो मॉइस्चराइज होकर के उसमें लग जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए जो है ब्लीच करने के लिए जो है ये ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो वो कॉटन कपड़ा में जो जो लग जाता है दाग वगैरह वो साफ़ हो जाता है। और इसका जो मेन यूज़ जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है लेबोरेटरी में जो है क्लोरोफॉर्म गैस को बनाने में होता है, क्लोरोफॉर्म गैस को बनाने में होता है। क्लोरोफॉर्म गैस का फॉर्मूला होता है CHCl3, है ना, क्लोरोफॉर्म गैस को बनाने में होता है। और क्लोरोफॉर्म जो गैस है ये एनेस्थेसिया के रूप में यूज़ होता है, यानी कि बेहोश करने में इसका यूज़ होता है। तो अभी हम लोग जो है दो कंपाउंड के बारे में पढ़ें, अब जो है लास्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो छठा कंपाउंड होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस
तो इसको हम लोग जो है देखते भी हैं कि जो बैंडेज वगैरह जो होता है, यानी कि जो किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है हाथ पांव, तो जो लगता है जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है CaSO4, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है। यानी कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O होता है। तो इसको जो हम लोग, इसका फॉर्मूला दो तरह से लिखा जाता है कि कहता है कि कैल्शियम सल्फेट अगर यहाँ पर दो है तो वाटर का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1 है। तो इसको अगर हम लोग चेंज कर दें, CaSO4 कर दें और इंटू दे दें, यानी कि इसका अनुपात 1 कर दें, तो वाटर जाहिर सी बात है कि हाफ हो जाएगा, तो हाफ H2O भी लिखा जाता है। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दो तरह से लिखा गया, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये जो है लैब में कैसे बनेगा, तो इसके बनाने की जो विधि है, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन लैब मेथड, यानी कि लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि क्या होगा। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो बनाया जाता है, तो कहता है कि जिप्सम एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होता है। CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी बात को जो है हम लोग लिखेंगे कि CaSO4 इंटू 2H2O, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लास्ट या जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम, इसको जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम के बारे में कहा गया कि इसको जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया, गर्म किया गया, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। यानी कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O इंटू H2O प्लस 3H2O, ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ यही फॉर्मूला आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जब जिप्सम को, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर की प्राप्ति हुई। ये जो है इसका लैब मेथड था, लेबोरेटरी मेथड था। अब इसको जो है हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है, ये तो बनाने की विधि हो गई है ना, अब इसका आइए केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। कहता है कि जब प्लास्टर और पेरिस को वाटर के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है, जब प्लास्टर और पेरिस को वाटर के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर की प्राप्ति होती है। तो कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर की प्राप्ति होती है। तो प्लास्टर और पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलाया गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि ये जिप्सम बन गया। क्या बन गया? जिप्सम, ठीक है। समझ में आया? क्या कहा कि जब प्लास्टर और पेरिस को वाटर के साथ मिलाया जाता है, यानी कि जब प्लास्टर किया जाता है तो उसमें पाउडर होता है, वो प्लास्टर पेरिस का, उसमें जब वाटर मिलाया जाता है, जब वो हार्ड हो जाता है,
जो कि हम लोग देखते हैं कि हाथ पांव में जो लगा रहता है उजला उजला, वो जिप्सम ही है, यानी कि वो पानी मिल गया सूख गया हाथ में, तो क्या हो गया CSO4 इंटू टू एच टू ओ जो हो गया वो जिप्सम हो गया। यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए तो जिप्सम बन गया। यानी कि ये एक वाइस वर्सा रिएक्शन है, यानी कि ये जो है रिवर्सेबल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा, इसके बनाने की विधि को समझिए कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया, CSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ें कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ प्रतिक्रिया कराया गया तो जिप्सम की प्राप्ति होती है, जिप्सम की प्राप्ति होती है। इसका जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कि जो यूजेज है, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका जो यूज़ है, सबसे पहला यूज़ जो है इसका यूज़ मूर्ति वगैरह बनाने में होता है, यानी कि स्टैचू वगैरह बनाने में किया जाता है। और सबसे बेहतर इसका यूज़ जो है वो मेडिकल साइंस में होता है, कि जो डॉक्टर लोग होता है पैर वगैरह हाथ वगैरह जब फ्रैक्चर हो जाता है तो टूटी हुई हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में इसका यूज़ पट्टी के रूप में होता है, ठीक है। तो आज हम लोग तीन कंपाउंड के बारे में पढ़े, इसका यूज़ भी पढ़े। अब हम लोग जो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि लवण, जैसे मतलब कि नमक वगैरह है, तो नमक वगैरह के बारे में कहा जाता है कि वो हाइड्रेटेड होता है, इसलिए नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको जब पैकेट से फाड़ते हैं तो उसको बंद डब्बे में जो है उसको रखना चाहिए। अगर ढक्कन अगर ज़रा भी उसका ढीला होगा या कुछ देर खुला रह जाता है तो वो नमक जो है वो हाइड्रेटेड हो जाता है, यानी कि वो मुलायम हो जाता है, और वैसा नमक जो है खाने योग्य नहीं होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो कहता है यहाँ पर कि लवण जिनमें क्रिस्टलाइजेशन के जल होते हैं वह उसे हम लोग हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। जैसे तुतिया वगैरह जो हुआ जिसको विट्रोल बोलते हैं, आप लोग विट्रोल को याद किए होंगे कि तीन तरह का विट्रोल है, जैसे ब्लू विट्रोल हो गया तो CuSO4 इंटू 5H2O हो गया, ग्रीन विट्रोल हो गया तो FeSO4 इंटू 7H2O हो गया, वाइट विट्रोल है तो आपको ZnSO4 इंटू 7H2O हो गया। तो यहाँ पर कहा कि जो तुतिया यानी कि जो ब्लू विट्रोल है, ब्लू विट्रोल के बारे में कहता है कि जैसे ब्लू विट्रोल वाशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O हुआ, जैसे जिप्सम हो गया CSO4 इंटू 2H2O, सब में देखिएगा कि हाइड्रेटेड है, सब में वाटर मौजूद है। कहता कि जिन लवणों में क्रिस्टल के वाटर नहीं होते हैं उसे एनहाइड्रस साल्ट कहते हैं, यानी कि जिस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है उसे एनहाइड्रस कहते हैं, और जिसमें वाटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। कहता है कि इन हाइड्रेटेड साल्ट को गर्म करके कि उसके क्रिस्टलाइजेशन के जल खोकर एनहाइड्रस साल्ट में परिणत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे CuSO4 यानी कि इंटू 5H2O, ये आपका जो है ब्लू विट्रोल कहलाता है, CuSO4 इंटू 5H2O जो है ये क्या हो गया, ब्लू विट्रोल हो गया। इसको हम लोग जब हाइड्रेटेड करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे तो हम लोग देखते क्या है कि CuSO4 प्लस 5H2O अलग हो गया, यानी कि ये एनहाइड्रस हो गया, ये जो है आपको हाइड्रेटेड था। तो यही प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब जो है नमक का पसीजना, इसमें जो है लास्ट टॉपिक है, नमक का पसीजना क्या होता है जो सुनिए। कहता कि कुछ लवणों में जल के लिए अत्यधिक प्रीति होती है, यानी कि वो वाटर को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, तथा इन लवणों को वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु के भेपर को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं। इस प्रकार के जो लवण होते हैं उसे हम लोग डेलिक्विसेंट साल्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा ये बात, है ना, कि क्या कहा कि कुछ लवणों में जल के लिए अत्यधिक प्रीति होती है तथा
इन लवणों को वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु के अंदर में जो वेपर होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो नमक जो है पसीजने लगता है। जो नमक पसीजने लगता है, जो कि खाने योग्य नहीं होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, वैसे नमक को हम लोग डेलीक्विसेंट साल्ट कहते हैं। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर को ख़त्म किए, यानी कि पूरा एसिड बेस एंड साल्ट जो है लगभग 9-10 पार्ट में हम लोग इसको पढ़े, है ना, 9-10 लेक्चर में पढ़े और ये आपको ख़त्म हुआ। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इसका जो नोट्स है, पूरे चैप्टर का नोट्स आप बनाएं। आप बनाने के बाद जो है इसका जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, यानी कि वन वर्ड आंसर जो है, अति लघु जिसको कहते हैं, उसका जो है पूरे को आंसर बनाएं, है ना, पूरा आंसर बनाएं। पहले पूरे चैप्टर को जो है रीडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद फिर नोट्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अति लघु पढ़िएगा, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर जो है अपने आप बनता चला जाएगा। जब वो बन जाए तो आप जो है मेरे नंबर पे जो है इस पूरे चैप्टर का जो है नोट्स विद अति लघु क्वेश्चन के साथ जो है आप भेज दें, ताकि हम उसको चेक कर लें और देख लें कि आप लोग जो है इसका नोट्स कैसा बनाए हैं। ठीक है, थैंक यू।